Hello friends, welcome to the Sure Success, and today we are going to present the 24 August PIB and news analysis. So let's begin. पहली न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, उसने रूलिंग दी है, जो बहुत सारे पिटीशन आ रहे थे, बहुत सारे गलतें जो भी जो दिसंबर 2016 में एक रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि 500 मीटर के अंदर दायरे में 500 मीटर के दायरे में 500 मीटर के दायरे में कोई भी लिकर सेल नहीं होगी अलॉन्ग दी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज के जो 500 मीटर के दायरे में उनके अपोजिट साइड दोनों साइड वहाँ पर कोई भी लिकर सेल नहीं होगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत सारी पिटीशन आई थी, जो भी नेशनल हाईवेज सिटीज़ के थ्रू जाती थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू जाती थी, म्यूनसिपल सिटीज़ के थ्रू जाती थी, सपोज दिल्ली हो गया, तो दिल्ली हो गया, NCR रीजन हो गया, तो फिर क्या होता है उसमें कि बहुत सारी उसकी प्रॉक्सिमिटी में बहुत सारी बड़े बड़े होटल्स होते थे, बड़े बड़े वेंडर्स होते थे जो कि लिकर सेल करते थे, तो इससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करनी पड़ी। और साथ में क्या 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 हुआ कि लोग जो डाइवर्जन लेने लग गए, जो मेन नेशनल हाईवे रोड्स थी उन्होंने क्या किया, स्टेट हाईवेज ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको सिटी का म्यूनिसिपल रोड को घोषित कर दिया उन्होंने, या फिर कोई डाइवर्जन ले लिया साइड से साइड। तो फिर इस पर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो लिकर सेल का जो बैन है वो सिर्फ उन सिटीज़ के लिए है, वो सिर्फ उन जगह के लिए है जो कि दो सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, सपोज़ ए सिटी है और बी सिटी है, तो ए सिटी के अंदर लिकर बैन नहीं होगी, ठीक है। ए सिटी के अंदर अगर क्या बोलते हैं नेशनल हाईवे गुजर रही है तो उसे 500 मीटर के आगे दोनों अपोजिट तरफ लिकर बैन सेल नहीं हुई, लेकिन हाँ हालांकि अगर ए और बी के बीच में जो एरिया आता है, नेशनल हाईवे आता है, उन पर बैन होगा, जो खाली एरिया होती है वहाँ पर उन पर 500 मीटर के अपोजिट तरफ वहाँ पर बैन लगेगा। तो फिर यहाँ पर क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, नॉट टू एक्सटेंड टू द म्यूनसिपल एरियाज, ओनली एक्सटेंड अलॉन्ग एंड प्रॉक्सिमिटी टू द हाईवेज विच विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है। तो सिटीज़ दो सिटीज़ के बीच में, दो टाउन्स के बीच में, या फिर दो विलेजेस के बीच में, तो जो खाली एरिया होता है वहाँ से वहाँ पर बैन लगा है। तो बस इतना है, चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देख लेते हैं। OBC लिस्ट टू बी सब कैटेगराइज्ड, तो ये रिगार्डिंग OBC लिस्ट के लिए गवर्नमेंट ने एक नोट दिया, कैबिनेट ने एक नोट दिया, मतलब कि सोच रहे हैं कि लाने की, तो फिर एक नया डिसीजन आने वाला है कि अभी जब आएगा तब आएगा, लेकिन कुछ कुछ डिसीजन लिए गए हैं, बताए गए हैं कि OBC में अलग अलग कैटेगरीज और सब कैटेगरी बनाई जाएंगी। जैसे कि कुछ क्या होता था जनरली, कुछ कोई भर्ती खुली सपोज एग्जांपल, उस भर्ती में गलत है, सपोज़ भर्ती खुली तो फिर उस एरिया में जो सपोज़ किसी एक स्टेट है यूपी में सपोज़, तो उस स्टेट में गलत भर्ती खुली और उसमें कुछ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है OBC के लिए। अब उस OBC कैटेगरी के लिए अगर कोई कैटेगरी है सपोज़ ए, तो उसमें क्या होता है उसके लिए रिजर्वेशन जब हुआ तो उस ए ही कैटेगरी के सारे बंदे क्या होता है उसमें सेलेक्ट हो गए, बाकी जो उसके अंदर सब कैटेगरी थी OBC के अंदर, ए कैटेगरी के अंदर जो अदर सब कैटेगरी थे उनको फ़ायदा मिल नहीं पाया। तो क्या हुआ, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब कि इनजस्टिस हुआ, मतलब कि सिर्फ एक ही कैटेगरी को फायदा मिल रहा है, बाकी दूसरी कैटेगरी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इनमें तीन प्रपोजल दिए हैं कि जो भी हम ये सब कैटेगरी में आएंगे और जो रिजर्वेशन करेंगे हम, वो 27% जो ऑलरेडी हमारे OBC में जो 27% रिजर्वेशन है उसी के अंदर हम रीअरेंजमेंट करेंगे। तो इसमें क्या लिखा, एक्सटेंड ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तो फिर जो एक्चुअल, तो फिर हम इसमें आगे नेक्स्ट जो ये है, तो इसमें अंदर ही रीअरेंजिंग होगा, मतलब कि उसी के अंदर जो 27% जो कोटा दिया गया था अभी रिजर्वेशन का OBC के लिए, उसी के अंदर फेर बदल करके सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और इसमें एक और प्रोविज़न रखा गया है कि अभी हम क्या बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट की OBC की लिस्ट और स्टेट लिस्ट की OBC की लिस्ट, उनको दोनों के दोनों रिपीटिशन ना हो, ताकि स्टेट की लिस्ट और सेंट्रल की लिस्ट दोनों के दोनों सेम है। तीसरा प्रोविज़न क्या बोला गवर्नमेंट ने भी इसको लाने के लिए, कि जो क्रीमी लेयर है कैप, क्रीमी लेयर की कैप जो है रेज करेंगे। क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर वो लेयर होती है, सपोज़ कोई OBC कैटेगरी में आता है और उसकी इनकम पहले क्या होता था, उसकी जो इनकम अगर 6 लाख है, अगर 6 लाख से ऊपर जाती है तो वो जो उसको प्रोविजन जो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए OBC कैटेगरी में, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे कि OBC क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर मतलब ऊपर टॉप वाला है, 6 लाख के ऊपर वाला है। लेकिन अब इसने गवर्नमेंट में एक नया प्रोविजन ला दिया है, जो अदर OBC की जो क्रीमी लेयर है उसकी कैप इंक्रीज करके 8 लाख पर एनम कर दी है, मतलब कि 8 लाख अगर किसी की इनकम 8 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो तभी वो क्या बोलते हैं क्रीमी लेयर में आएगा। तो ये क्या एक मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि जो भी ये OBC कैटेगरी लिस्टिंग होती है किसके अंदर अंतर आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टू हेल्प कर्नाटका फार्मर्स, तो माइक्रोसॉफ्ट एक प्लान बना रही है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ। तो फिर इससे क्या होगा कि जैसे कि मार्केट में कोई सपोज प्राइस है,
सपोज सब्जी के, सपोज आलू के दाम है या फिर टमाटर के दाम है, तो अचानक से कल तक कब प्राइस राइज कर जाते हैं, कब प्राइस घट जाते हैं, और कब डेफिशिएंसी पड़ रही है, कब ज़्यादा डिमांड आ रही है, कम सब कब सप्लाई आ रही है, तो उसको पूरी की पूरी स्ट्रगल, पूरी की पूरी चेन जो है पूरी इंटरलिंक प्रिडिक्टेबल, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकें, सॉफ्टवेयर बनाएंगे या फिर जो भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर करना चाह रही है उसकी तरफ वो फोकस करेंगे, और जिस तरीके डिमांड सप्लाई के बेसिस पे इक्वेशन लगाएंगे वो, और उस तरीके से वो फोरकास्टिंग करेंगे मतलब कि आने वाले प्राइस के दाम किस तरीके से होंगे, ठीक है, और मार्केट का बिहेवियर जानेंगे, और इससे जैसे प्राइस क्रैश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, गवर्नमेंट को मतलब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, अचानक से प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं, तो फिर उसके लिए भी हेल्प करेगी ये। और नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मेका डातू प्रोजेक्ट, तो कंटेक्स्ट क्या है इसमें, इसमें कंटेक्स्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु ने क्या बोलते हैं अभी न्यू डैम, तमिलनाडु ने अपोज किया है कि ये नया डैम जो बना रहे कर्नाटका वाले कावेरी रिवर के ऊपर, ये मेका डातू प्रोजेक्ट है, तो ये मेका डातू रिवर प्रोजेक्ट यहाँ पर है इस वाले एरिया पे जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, तो ये कर्नाटका है। तो आपको एक और चीज़ पता करनी है, जो कावेरी रिवर अभी जो कावेरी डिस्प्यूट चल रहा है उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर इसके लिए हमको कावेरी की सारी ट्रिब्यूटरीज को जानना पहले, कितनी कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब इंपॉर्टेंट है पहले पता करना, और उसके बाद कावेरी रिवर कितने कितने स्टेट से होकर गुजरती है तो वो भी पता करना, उसका पाथवे और कावेरी कहाँ से ओरिजिन होती है, तो ये आपको पता करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है रोहिंग्या, रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैं जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी इन द स्टेट्स ऑफ म्यांमार के अंदर ही मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा मतलब माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके खिलाफ काफ़ी इनको बहुत सारी किलिंग की जाती है, इनके ऊपर इनके इनके खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो फिर क्या हुआ था कि रोहिंग्याज जो थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा माइग्रेट होकर चले गए थे, कुछ लोग इंडिया में आ गए, कुछ लोग बांग्लादेश में आ गए, तो फिर अभी क्या इंटरनेशनल जो कि अभी यूएन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने कहा है कि सबके सब ये जो रोहिंग्याज है सबको अपनी अपनी कंट्री में भेज दीजिए, इनकी कंट्री मतलब म्यांमार में अपने जो उनका नेटिव स्टेट है वहाँ भेज दीजिए, लेकिन अभी इस पर अभी चल रहा है, अभी केस चल रहा है, और कुछ कुछ अभी लोग इवैक्यूएट करे जा रहे हैं इंडिया से, लेकिन अभी हालांकि इसमें बहुत सारे अभी क्रिटिसिज्म है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अभी इनको रोक लगाने की बात कर रखी है, लेकिन अभी ये न्यूज़ ये है कि अभी ये रोहिंग्याज मतलब ये कुछ कुछ लोग बांग्लादेश चले गए हैं, छोड़ के चले गए हैं, और कुछ कुछ अभी इंडिया में ही हैं, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता रहेगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ इट्स अ डे फॉर रेकॉर्डिंग ऑफ आधार, आधार की अभी न्यूज़ आ चुकी है, मैंने देखा था ये मतलब कि आज आधार का जजमेंट आएगा, तो फिर राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, तो हालांकि अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तो फिर इसमें यह है कि राइट टू प्राइवेसी एक 7th फंडामेंटल राइट बन चुका है अभी, इट इज़ द फंडामेंटल राइट नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी द फंडामेंटल राइट, 7th फंडामेंटल राइट, तो आप पता करना कि ये 6 फंडामेंटल राइट कौन से थे पहले, और प्लस 1 अभी ये वाला जो राइट टू फंडामेंटल राइट होगा ये बन चुका है, ये अभी 9 जजमेंट 9th कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी तो ये बन चुका है। अब देख लेते हैं पीआईबी एनालिसिस, एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी तो फिर ये क्या होता है फाइनेंशियली, इसका रोल पहले पहली बात तो जानना है कि एफएसडीसी है क्या, एफएसडीसी इज इट इज़ अ बॉडी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हेड्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, तो जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के उन सबके हेड्स होते हैं, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, तो उन सबके सारे के सारे जितने भी सारे के सारे मेंबर्स हैं वो सब मतलब जितने भी सारे हेड हैं वो सब एक साथ मिलकर उनका रोल क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक लिटरेसी, इन सबको आपस में एक कॉपरेशन बना के ताकि हम एक अच्छी पॉलिसी ला सकें उस गवर्नमेंट सेक्टर में, और ताकि देश को चलाने के लिए, तो इस आपस में ये इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। तो फिर एक क्वेश्चन आया था 2016 में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द एफएसडीसी, द चेयरमैन कौन होता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली हैं अभी, और ये क्वेश्चन भी आया था कि क्या सिर्फ आरबीआई, सेबी और आईआरडीए एंड पीएफआरडी के ही मेंबर्स इसमें होंगे, नहीं इसमें और मेंबर्स भी होंगे इसके, अगर चेयरमैन चाहे तो स्पेशल स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी या फिर एक्सपर्ट फाइनेंस किसी को फाइनेंस से बुला सकता है, तो वो सेलेक्ट कर सकता है, वो मतलब अपॉइंट किया जा सकता है। और एक और बात याद रखने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट अ स्टैचुटरी बॉडी, ये कोई एक्ट से पास नहीं हुआ है, ये सब गवर्नमेंट के रूल से पास, रेगुलेशन से पास हुआ है पार्लियामेंट में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ पीएम एड्रेसेज यंग सीओज एट द चैंपियंस ऑफ चेंज इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज बाय द नीति आयोग, तो फिर इनिशिएटिव ऑफ चेंज, तो फिर ये पहली बात तो जानना है कि अभी जो मीटिंग हुई थी अभी पीएम ने एड्रेस किया था, संबोधित किया था यंग सीओज, यंग सीओज मतलब कि जो नए नए कंपनीज हो, नई नई इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारे, इनको सीओज को आपस में इंटरेक्ट किया, बहुत सारे बुलाया एट न्यू दिल्ली प्रवासी भारतीय केंद्र, और इनको संबोधित किया, और सीओज ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि इंडिया को हम इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम को हम किस तरीके से डबल कर सकते हैं 2022 तक, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से हमने
1947 में काफ़ी स्ट्रगल किया था हमने, कहते हैं देश की आज़ादी के, हम नए नए रिफॉर्म्स लाने के लिए। उसी तरीके से आज भी हमको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट और सीओज, सारी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ को आपस में मिलकर, नए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, वो उन सब के कॉम्बिनेशन से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं और देश को नई राह तक दिखा सकते हैं। तो फिर बस यही है क्वेश्चन, क्या कह सकता है कि इट इज़ ऑर्गेनाइज चैंपियंस ऑफ चेंज किस चीज़ के लिए, चैंपियंस ऑफ चेंज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, नीति आयोग, ठीक है। और इनमें किस किसने पार्टिसिपेट किया था, जो भी यंग यंग सीईओज हैं इसमें, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।